बोलते हो ना आज तुम्हारा दिन है, कल मेरा आएगा तो बताऊंगा। कई बार ऐसी भाषा निकलती है मुंह से, शत्रु को देखते हो, मित्र, किसी और दुश्मन को देखते हो, कई बार परिवार वालों में भी देखते हो, किसी दबंग आदमी ने तुमको दबा दिया तो तुम क्या बोलते हो, हमारे भी दिन आएंगे तब हम बताएंगे। शत्रु से बोलते हो, गुरुदेव बोलते हैं सिर्फ यही शब्द तुम भगवान की वेदी के सामने जाकर के बोलो, एक बार भगवान के सामने खड़े होकर के बोलो, भगवान आज आप वहां बैठे हैं, हमारे भी दिन आएंगे। क्या जो शब्द से तुम्हारा संसार बढ़ रहा है, यही शब्द अगर तुमने भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के भगवान को देख करके सोचो, ऐसा देखो भगवान की उस मनोहारी मुद्रा को, उनके छत्र चमर भामंडल को, उसके अष्ट प्रातिहार को, जब उनका अभिषेक हो रहा है तो देखो भगवान को, अपनी आंख से आंसू बहाओ। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, कर्म की ऐसी मार है, भगवान का अभिषेक तक नहीं कर पा रहे, उस समय भगवान के सामने खड़े होकर के बोलो, भगवान हमारे भी दिन आएंगे। इसी उसी अहंकार से, जिस अहंकार से शत्रु के सामने बोलते हो, उतने ही अहंकार के सामने भगवान से बोलना, एक बार हमारे भी दिन आएंगे, हम भी देखेंगे। जतारा की बात है, हम लोग जतारा पहुंचे, बहुत तेज गर्मी थी, कुछ गुरुदेव पसीने से लथपथ थे, संभव सागर जी महाराज थे, महाराज श्री भी वहां पर पीछे बैठे थे। आचार्य सिंह जी ने जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया और गर्भगृह की बिल्कुल ठंडक में बैठे, आचार्य सिंह जी के सामने संभव सागर जी बैठे, संभव सागर जी आचार्य सिंह जी से कहते हैं कि महाराज गर्भगृह में कितनी ठंडक है। बोले आचार्य सिंह जी तुरंत जवाब देते हैं, वेदी के नीचे बैठे हो तो इतनी ठंडक है, जिस दिन वेदी के ऊपर बैठ जाओगे सोचो कितनी ठंडक मिलेगी। क्या ये बड़े बड़े आचार्य हैं, इनकी क्या शैली होती है कि संभव सागर जी महाराज ने सहज में कहा, सही में ठंडक थी वहां पे, मैं पीछे खड़ा था, मैंने अपने सामने अपने खुद मैंने अपने कान सुना, संभव सागर जी महाराज कहते आचार्य सिंह जी वेदी में कितनी ठंडक है, वेदी के नीचे कितनी ठंडक है। तब तो होकर क्या है, गुरुदेव बोलते हैं यहां इतनी ठंडक है, उस वेदी में बैठ जाओगे तो कितनी ठंडक मिलेगी तुमको, सोचो। इतनी सी बात कहकर के आचार्य सिंह अपने काम में फिर लग गए। हम आपसे वही बात कहना चाहते हैं कि मंदिर में जब भी जाओ भगवान के सामने, एक बार भगवान को देख करके खुद अपने लिए सोचना बंधुओं, कि हमारा जिस दिन केवल ज्ञान कल्याणक मन जाएगा ना भगवान, हमारे भी दिन आएंगे, मेरा भी दिन आएगा प्रभु, इस वेदी में बैठ करके लोग मेरा भी अभिषेक करेंगे। ऐसी चेतनता को जागृत करके इन शब्दों के साथ अगर आप अपना जीवन जी गए तो निश्चित आपको आज नहीं तो कल केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। शत्रु के सामने मेरे भी दिन आए कहने वालों के कभी दिन नहीं आने वाले बंधुओं, लेकिन यही शब्द जब भगवान के सामने बोल दिए जाएंगे, आपका दिन पलटने में देर नहीं लगेगी, आपका दिन पलटे इन्हीं भावनाओं के साथ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।